In this video, we will discuss about uses of haploids, dihaploids and double haploids. So, firstly, we will discuss what is haploid. Haploids are the plant in saprophytic state with the gametic chromosome number. Okay? So, जिस प्लांट जो प्लांट है जो कि saprophytic condition में होता है उसमें haploid chromosome number में gametic chromosome number contain किए हुए होते हैं उनको haploids कहा जाता है. Okay, so haploids can be originated spontaneously and also be induced through various techniques like anthraculture, embryo rescues, microspore culture and pollination with irradiated pollens. Okay, so other than these, various techniques can be used for creates haploids. Okay, so अगर हम बात करें स्पॉन्टेनियसली की तो इसका एक एग्जांपल देखने को मिलता है हमको तेतुरा स्ट्रेमोनियम में विच इज रिपोर्टेड बाय ब्लैक एस्लेव एंड फॉलोड बाय निकोटियाना टबैकम एंड वेट. ओके, सो अगर हम स्पॉन्टेनियसली की बात करते हैं तो वो बहुत ही रेयर होता है और उसका प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत ही लिमिटेड होता है. ओके, सो और उसके अलावा अगर हम आर्टिफिशियली हैप्लॉइड के क्रिएशन की बात करें तो उनको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम ओरिजिन कर सकते हैं, सॉरी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, थ्रू सबसे ज़्यादा जो स्पेशली यूज़ किया जाता है वो है एंथरकल्चर, जिसको कि गुहा माहेश्वरी ने दिया था, राइट. उसके अलावा अगर हम डाईहैप्लॉइड की बात करें, सो डाईहैप्लॉइड इज बेसिकली हैप्लॉइडी ऑफ टेट्राप्लॉइड स्पीशीज. टेट्राप्लॉइड स्पीशीज के हैप्लॉइड्स की बात करते हैं तो उनको डाईहैप्लॉइड कहा जाता है. ओके, टेट्राप्लॉइड स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 2n = 4x होता है. ओके, तो उसके हैप्लॉइड्स को क्या कहा जाता है, डाईहैप्लॉइड. डाईहैप्लॉइड आर नॉट होमोजाइगस लाइक डबल हैप्लॉइड्स. ओके, वो टोटली होमोजाइगस नहीं होता, जबकि हेट्रोजाइगस भी हो सकता है. ओके, उसके अलावा अगर हम डबल हैप्लॉइड्स की बात करें, सो डबल हैप्लॉइड इज द जीनोटाइप फॉर्म व्हेन इट इज अंडरगोस क्रोमोसोम डबलिंग थ्रू वेरियस टेक्निक्स. ओके, जो हैप्लॉइड प्लांट हमको मिलते हैं उसकी जब हम वेरियस ट्रीटमेंट्स के थ्रू लाइक कोल्चिसिन ट्रीटमेंट्स के थ्रू जब उनकी हम उसकी क्रोमोसोम की डबलिंग करते हैं तो जो हमको ऑप्टेन होता है वो कहलाता है डबल हैप्लॉइड प्लांट्स. ओके, सो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. ओके, जब उनकी एफ1 जनरेशन आती है तो उनमें क्या होता है, एक एक क्रोमोसोम्स क्या है वो सेग्रीगेट होकर के एफ1 जनरेशन में हाइब्रिड्स को फॉर्म करते हैं, राइट. जब उनका F2 जनरेशन आता है तो F2 जनरेशन में क्या होता है, कई बार एक जो सेल होती है वो क्या हो जाती है, डिप्लॉयड होती है और एक में एक जो क्रोमोसोम होता है वो अब्सेंट होता है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो वो हैप्लॉइड सेल होती है. जब वो हैप्लॉइड सेल को क्रोमोसोम डबलिंग किया जाता है तो 100% होमोजाइगस लाइन होती है, डबल हैप्लॉइड्स. ओके, उसी तरीके से जब हम डाईहैप्लॉइड की बात करते हैं तो डाईहैप्लॉइड जो की होती है टेट्राप्लॉइड स्पीशीज की हैप्लॉइड कंडीशन होती है, तो वो क्या होते हैं उसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, क्योंकि टेट्राप्लॉइड स्पीशीज में चार सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे. ओके, क्रोमोसोम के चार सेट थे जो कि हैप्लॉइड्स में आते हैं, जिनको डाईहैप्लॉइड कहा जाता है उनमें ऑनली टू सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं. सो लेट्स सी, फर्स्ट we will discuss haploids. Haploids are plants that contain a gametic chromosome number. Okay, so next, they can originate spontaneously in nature or as a result of various induction techniques, right. Black Esley first described the phenomena in Datura Stramonium. Haploids ko sabse pehle kisne describe kiya tha, is phenomenon ko usne kiya tha Black Esley, right. Black Esley ne Datura Stramonium, Datura ka jo plant hota hai उसमें इसको डिस्क्राइब किया था. द पोटेंशियल ऑफ हैप्लॉइडी फॉर प्लांट ब्रीडिंग अरोज इन 1964. ओके, अगर हम हैप्लॉइडी के प्लांट ब्रीडिंग में उसके पोटेंशियल या यूजेस की बात करें तो वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1964 विद द अचीवमेंट ऑफ हैप्लॉइड एम्ब्रियो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इन विट्रो कल्चर ऑफ दतूरा एंथर्स. दतूरा के एंथर्स का हम जो इन विट्रो कल्चर किया था उसके थ्रू हमने हैप्लॉइड्स का एम्ब्रियो बनाया था. उसके अचीवमेंट्स के बाद ही हैप्लॉइड्स का प्लांट ब्रीडिंग में पोटेंशियल या यूजेस शुरू हुआ था, विच वॉज फॉलोड बाई सक्सेसफुल इन विट्रो हैप्लॉइड प्रोडक्शन इन टोबैको. दतूरा के बाद किस पे किया गया, टोबैको, टोबैको के बाद वीट में, तो इस तरीके से उनका प्लांट ब्रीडिंग में यूज होना शुरू हो गया, राइट. सो प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड्स. ओके, अगर हम हैप्लॉइड्स के यूज की बात करते हैं तो उसके पहले हमको ये देखना है कि हैप्लॉइड्स का प्रोडक्शन कहाँ से होता है और किस प्रकार होता है. हैप्लॉइड्स प्रोड्यूस फ्रॉम डाइप्लॉइड स्पीशीज
मीन्स टू एन इज इक्वल टू एक्स नोन एज मोनोप्लॉइड्स। ओके, जो डिप्लॉइड स्पीसीज की हैप्लॉइडी होती है उसको मोनोप्लॉइड्स कहा जाता है, राइट। दैट कंटेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन सैप्रोफिटिक फेज, जो कि सैप्रोफिटिक फेज में भी ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेन किया हुआ होता है। तो डिप्लॉइड स्पीसीज के जो हैप्लॉइडी हैप्लॉइड्स होते हैं और मोनोप्लॉइड्स होते हैं वो सेम होते हैं। ओके, सो हैप्लॉइड्स आर स्मॉलर एंड एग्जिबिट ए लोअर प्लांट फिगर कंपेयर टू डोनर प्लांट्स एंड आर स्टराइल ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ देयर क्रोमोसोम टू पेयर ड्यूरिंग मियोसिस। जो हैप्लॉइड्स प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है वो नहीं हो पाती है, वो इनेबल होते हैं, जिसके कारण कि वो जो प्लांट्स होते हैं वो हैप्लॉइड प्लांट जो होते हैं वो स्टराइल होते हैं। उनको फर्टाइल कैसे बनाया जाता है, उनकी क्रोमोसोम डबलिंग करके, राइट। इन ऑर्डर टू प्रोपगेट दैम थ्रू सीड्स एंड टू इंक्लूड दैम इन ब्रीडिंग प्रोग्राम देयर फर्टिलिटी हैज़ टू बी रिस्टोर्ड विद स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड क्रोमोसोम डबलिंग। ओके, जो कि मैंने जैसे बताया कि जो हैप्लॉइड्स होते हैं वो स्टराइल होते हैं, तो उनकी फर्टिलिटी को कैसे रिस्टोर किया जाता है, वो कभी किसी किसी प्लांट्स में स्पॉन्टेनियसली इंड्यूस होती है और कभी कभी हमको मैक्सिमम टाइम हमको इंड्यूस करना पड़ता है थ्रू कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट। ओके, उसके अलावा भी क्रोमोसोम डबलिंग के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू डबल हैप्लॉइड्स बनाया जाता है जो कि फर्टाइल होते हैं। ओके, अगर हम हैप्लॉइड्स की बात करते हैं, ओके, सो दतुरा स्ट्रामोनियम सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। ओके, हैप्लॉइड्स फ्रॉम पॉलीप्लॉइड्स स्पीशीज हैव मोर देन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड आर पॉली हैप्लॉइड्स। ओके, लाइक एग्जांपल डाई हैप्लॉइड्स फ्रॉम टेट्राप्लॉइड पोटैटोस। ओके, अगर टेट्राप्लॉइड स्पीशीज का कोई हैप्लॉइड्स आता है तो उसको बोला जाता है डाई हैप्लॉइड्स। ओके, और अगर कोई हेक्साप्लॉइड स्पीसीज का कोई हैप्लॉइड होता है तो उसको ट्राई हैप्लॉइड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं सोलेनम ट्यूबेरोसा के जो हैप्लॉइड्स होते हैं वो होते हैं टू एन इजल टू टू एक्स, क्योंकि जो सोलेनम ट्यूबेरोसम होता है वो टेट्राप्लॉइड स्पीसीज होता है, मीन्स टू एन इजल टू फोर एक्स। उसकी उसी तरीके से जो एक कीवी फ्रूट होता है एक्टिनिडिया डेलिसियोसा वो होता है हेक्साप्लॉइड, उसके हैप्लॉइड्स को कहा जाता है ट्राई हैप्लॉइड। ओके, सो हैप्लॉइड प्रोडक्शन इन कल्टिवेटेड पोटैटो सोलेनम ट्यूबेरोसम स्पीशीज ट्यूबेरोसम कैन बी अचीव्ड बाय इंटरजेनेरिक पॉलिनेशन विद सेलेक्टेड हैप्लॉइड इंड्यूसर क्लोन्स ऑफ सोलेनम फुरेजा। ओके, जो सोलेनम ट्यूबेरोसम है उसमें इंटरजेनेरिक जब हम पॉलिनेशन कराते हैं विथ सेलेक्टेड इंड्यूसर डोनर क्लोन्स, ओके, जो कि सोलेनम फुरेजा का होता है, तो हैप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन होता है पोटैटो की स्पीशीज में। ओके, सो नेक्स्ट इज डाई हैप्लॉइड। सो व्हाट इज डाई हैप्लॉइड, डाई हैप्लॉइड रिफर्स टू अ हैप्लॉइड सेल इन विच इट्स न्यूक्लियस कंटेन टू कॉपीज ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। फॉर इंस्टेंस हैप्लॉइड्स ऑफ टेट्राप्लॉइड स्पीसीज आर कॉल्ड डाई हैप्लॉइड्स। ओके, अगर हम जनरली हम बात करें बेसिकली तो जो भी टेट्राप्लॉइड स्पीशीज होते हैं उसकी हैप्लॉइड्स को कहा जाता है डाई हैप्लॉइड्स। ओके, डाई हैप्लॉइड्स आर नॉट होमोजाइगस लाइक डबल हैप्लॉइड्स बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, क्योंकि वह एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स के जो सेट होते हैं वो कंटेन किया हुआ होता है एंड दे कांट बी यूज इन ट्रू ब्रीडिंग बट इट इज़ यूज इन पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। जो डाई हैप्लॉइड्स होते हैं वो ट्रू ब्रीडिंग में यूज नहीं होते हैं, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग जो होते हैं उसमें यूज किया जाता है। ओके, जो कि जो डाई हैप्लॉइड्स होते हैं वो जो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है सीड की फ्रिक्वेंसी वो क्या होती है, बहुत ही लो होती है। डाई हैप्लॉइड पोटैटोस कैन बी यूज फॉर ब्रीडिंग पर्पस, जो डाई हैप्लॉइड पोटैटोस होते हैं उनको ब्रीडिंग पर्पस के लिए हम यूज किए जाते हैं। दे कैन बी अचीव बाय इंटरजेनेरिक पॉलिनेशन विथ हैप्लॉइड इंड्यूसर क्लोन, जैसे कि मैंने आपकी पहले बताया टेट्राप्लॉइड स्पीसीज का जो पोटैटो जो है टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है तो उनकी जो हैप्लॉइड्स होंगे वो होते हैं डाई हैप्लॉइड्स। ओके, तो जब हमको डाई हैप्लॉइड का प्रोडक्शन करना होता है तो टेट्राप्लॉइड स्पीसीज में का जो क्या करते हैं इंटरजेनेरिक पॉलिनेशन कराते हैं विथ सेलेक्टेड हैप्लॉइड इंड्यूसर क्लोन्स। ओके, सो नेक्स्ट इज डबल हैप्लॉइड। डबल हैप्लॉइड इज अ जीनोटाइप फॉर्म व्हेन हैप्लॉइड सेल्स अंडरगो क्रोमोसोम डबलिंग। ओके, डबल हैप्लॉइड्स आर होमोजाइगस एट ऑल लोसाइज एंड कैन रिप्रेजेंटेड ए न्यू वेराइटी। जो डबल हैप्लॉइड होते हैं वो क्या होते हैं 100% होमोजाइगस होते हैं,
for all the loci and can be represented as new variety. Okay, in the case of self-pollinated crop or in case of cross-pollinated crop. ओके क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप की कंडीशन में हम क्या करते हैं इनब्रिड्स का डेवलपमेंट जो करते हैं उनको हैप्लॉइड्स के डबल हैप्लॉइड्स के प्रोडक्शन के थ्रू किया जा सकता है. ओके सो इट इज होमोजाइगस लाइन एंड दे आर रिलीज्ड एज अ वैरायटी आल्सो. होमोजाइगोसिटी इज अचीव्ड रैपिडली एंड सस्टेनेबल टाइम सब्सटेंशियल टाइम. ओके बहुत कम टाइम पे होमोजाइगोसिटी इसमें अचीव्ड हो जाती है within one generation. Okay, so using double haploid production system, homozygosity achieved in one generation, eliminating the need for several generation of cell pollination. सेल पॉलिनेशन कराने की कंटिन्यूस कराने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको एलिमिनेट करके हम एक जनरेशन में ही इसको होमोजाइगोसिटी को अचीव कर सकते हैं. ओके सो द टाइम सेविंग इज सब्सटेंशियल पर्टिकुलरली इन बायनियल क्रॉप्स एंड इन क्रॉप विद अ लॉन्ग जुवेनाइल पीरियड. ओके जिनका जो जुवेनाइल पीरियड या वेजिटेटिव पीरियड जो होता है वो बहुत ही लॉन्ग होता है. किसी किसी क्रॉप में जो वेजिटेटिव पीरियड होता है वो बहुत ही लंबा होता है और उसके बाद अगर हम क्रॉस किए हैं उसके बाद हमको सीड मिलेगा उसके बाद हम हैप्लॉइड्स का प्रोडक्शन करेंगे. ओके सो इस सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होते हैं. ओके सो डबल हैप्लॉइड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं रैपिडली होमोजाइगस लाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके सो नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ हैप्लॉइड डाईहैप्लॉइड एंड डबल हैप्लॉइड. ओके अगर हम हैप्लॉइड डाईहैप्लॉइड एंड डबल हैप्लॉइड्स की बात करें तो अगर हम बेसिकली बात करें तो जो हैप्लॉइड्स होते हैं उनका यूज किन किन चीज़ों में किया जा सकता है एंड डबल हैप्लॉइड्स एंड डाईहैप्लॉइड का क्रिस में ही होते हैं. जो डबल हैप्लॉइड्स होते हैं उनका यूज बेसिकली होमोजाइगस लाइन के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है. ओके सो हम देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या इनके यूज हो सकते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में. ओके सो फर्स्टली हैप्लॉइड्स आर यूज टू स्टडी द क्रोमोसोम बिहेवियर ड्यूरिंग मियोसिस. हैप्लॉइड्स कैन बी यूज फॉर द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम बिहेवियर. ओके सो स्टडी ऑफ क्रोमोसोम पेयरिंग इन मोनोहैप्लॉइड्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डुप्लीकेशन इन द क्रोमोसोम्स. ओके राइट राइट सो नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ क्रोमोसोम पेयरिंग इन हैप्लॉइड्स इंडिकेट्स द ओरिजिन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट. व्हेन वी स्टडी द क्रोमोसोम पेयरिंग इन हैप्लॉइड स्पीशीज. ओके सो फॉर एग्जांपल इन ब्रासिका क्रोमोसोम पेयरिंग इन हैप्लॉइड इंडिकेट द बेसिक क्रोमोसोम नंबर इन द जीनस इज एज एक्स इज इक्वल टू सिक्स. ओके एंड डिफरेंट स्पीसीज ओरिजिनेटेड थ्रू डिसप्लॉइडिंग. ओके व्हेन वी डिस्कस द ब्रासिका ओरिजिन सो वी स्टडी द क्रोमोसोम पेयरिंग इन हैप्लॉइड स्पीसीज. ओके नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन ऑन द एंसेस्ट्री ऑफ स्पीसीज कैन बी ऑब्टेन थ्रू द स्टडी ऑफ होमियोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग इन द हैप्लॉइड्स ऑफ डिफरेंट एलोपॉलीप्लॉइड स्पीसीज. ओके जब हम इनके हैप्लॉइड्स के इंफॉर्मेशन के थ्रू किसी भी स्पीशीज की एंसिस्ट्री को हम पता कर सकते हैं उसके कैसे करते हैं जब होमियोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रही है हैप्लॉइड स्पीशीज में उसके थ्रू हम उसके एंसिस्ट्री का पता कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज का. राइट इट इज इट्स इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ मोनोहैप्लॉइड्स एंड पॉलीहैप्लॉइड्स इज द प्रोडक्शन ऑफ homozygous lines in the shortest possible time. Okay, in shortest possible time we can produce or create monohaploids and polyhaploids. Okay, next in cross-pollinated species haploidy is an effective method for selecting viable combinations of genes which are the used as inbreeds after chromosome doubling. ओके अगर हम क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज की बात करते हैं जिनमें कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है उनमें क्या होता है कंटिन्यूस अगर हम सेल्फिंग कराते हैं तो उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन डेवलप हो जाता है. तो उनमें हम क्या कर सकते हैं उनमें हैप्लॉइडी को प्रोड्यूस करके उसके क्रोमोसोम डबलिंग करके हम इनब्रीड्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं. ओके सो देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स इन द होमोडिप्लॉइड्स एंड देयर therefore it permits selection for quantitative character the selection efficiency increase. okay agar hum homodiploids ki baat kare homodiploids mein
जिनमें कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक आइडेंटिकल फॉर्म होते हैं, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। अगर इस कंडीशन में अगर सेग्रीगेशन होता भी है तो कोई भी कैरेक्टर्स का वो डिफरेंस नहीं होगा। दोनों जो कैरेक्टर्स होंगे, दोनों स्पीशीज के, दोनों डॉटर सेल के, उनके जो जी सारे कैरेक्टर्स होंगे वो सिमिलर होंगे। ओके, इन केस ऑफ सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी इन रेड्स लाइन आर रेटली प्रोड्यूस बाय डबलिंग द क्रोमोसोम नंबर्स ऑफ हैप्लॉइड्स। ओके, अगर हम सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी की बात करें तो जो इनब्रेड लाइन है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं हम क्रोमोसोम डबलिंग के थ्रू, जैसे जिनमें कि जैसे कि क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में होता है। अगर कोई भी क्रॉप अगर सेल्फ इनकॉम्पेटिबल है मीन्स वो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, सो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के कंडीशन में सेम वही प्रोसेस होती है जो क्रॉस पॉलिनेशन के केस में होती है। इनब्रिड्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं हम क्रोमोसोम की डबलिंग के थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज मोनोहैप्लॉइड्स, सॉरी मोनोप्लॉइड्स कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली इन म्यूटेशन स्टडीज बिकॉज दे पोजेसेस ओनली अ सिंगल सेट ऑफ जीन। ओके, जो मोनोप्लॉइड्स होते हैं उसको हम एफिशिएंटली हम म्यूटेशन की स्टडी में हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि बहुत जैसे कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव म्यूटेशंस होते हैं वो हो रहे हैं M1 जनरेशन में क्या होते हैं एक्सप्रेस होते हैं। ओके, सो जो भी डिजायरेबल म्यूटेशंस होते हैं उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं हैप्लॉइड सेल्स में और उनको इन विट्रो कल्चर करके हम हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, और जो भी उसमें से हमको होमोडिप्लॉइड्स मिलेंगे डिजायरेबल म्यूटेशंस के थ्रू, उसके हम क्रोमोसोम्स की डबलिंग्स के थ्रू हम उसको फर्टाइल प्लांट उसके थ्रू हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। राइट, न्यू जीनोटाइप कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू एलियन साइटोप्लाज्म थ्रू एंड्रोजेनेटिक हैप्लॉयडी। ओके, कोई भी हम न्यू जीनोटाइप का इनकॉर्पोरेशन, न्यू जीन्स का इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं किसी भी एलियन साइटोप्लाज्म में। फॉरेन जो साइटोप्लाज्म होते हैं उनको एंटोजेनिक हेब्रोजेनेटिक हैप्लॉयडी के थ्रू कोई भी हम न्यू जीनोटाइप को हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, एंड दिस मेथड इनेबल्स द ट्रांसफर ऑफ न्यू जीनोटाइप इनटू द साइटोप्लाज्म प्रोसेसिंग फैक्टर्स फॉर मेल स्टेरिलिटी। ओके, किसी भी जीनोटाइप में हम क्या कर सकते हैं, मेल स्टेरिलिटी को वाली जो जीनोटाइप है जिनमें कि साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी है उनमें हम न्यू जीनोटाइप को इंड्यूस कर सकते हैं या न्यू जीन्स को। ओके, ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वाइल्ड डिप्लॉयड स्पीशीज टू कल्टिवेटेड स्पीशीज कैन बी डन थ्रू डाईहैप्लॉइड्स ऑफ पॉलीप्लॉयड स्पीशीज। ओके, सो जो भी डिप्लॉयड स्पीशीज होते हैं उनकी वाइल्ड अगर स्पीशीज अपने को हमारे पास प्रेजेंट है, किसी भी क्रॉप की वाइल्ड डिप्लॉयड स्पीशीज प्रेजेंट है तो उनसे हम जीन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट इज डाईहैप्लॉइड मे बी यूज्ड इन सेलेक्शन और क्रॉसिंग एट डिप्लॉयड लेवल बिफोर क्रोमोसोम डबलिंग अस सजेस्टेड बाय चेस इन 1963 फॉर पोटैटो सोलेना ट्यूबरेशन। सॉरी, जो पोटैटो का साइंटिफिक नेम है वो गलत बाय टाइपिंग मिस्टेक सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। ओके, वो गलती से सोलेशियम ट्यूबरोसम लिखा गया है, वो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। ओके, सो जो भी डाईहैप्लॉइड्स का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम जब डिप्लॉयड लेवल होता है किसी भी टेट्राप्लॉयड स्पीशीज का। ओके, सो जैसे कि कोई भी हमको डाईहैप्लॉइड्स मिलता है टेट्राप्लॉयड स्पीशीज से तो हम उसमें क्रोमोसोम्स की डबलिंग कर सकते हैं, डिप्लॉयडी लेवल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल है इसका पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम। ओके, थ्रू क्रोमोसोम डबलिंग इन हैप्लॉइड्स होमोजाइगस लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेरियस क्लाइमेटिक रीजंस इन वन लेबोरेटरीज। ओके, क्रोमोसोम डबलिंग के थ्रू हैप्लॉइड्स में हम होमोजाइगस लाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा डबल हैप्लॉइड्स पॉपुलेशंस आर आइडल फॉर जेनेटिक मैपिंग एंड इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस ए जेनेटिक मैप विद इन 2 ईयर्स ऑफ अ इनिशियल क्रॉस रिगार्डलेस ऑफ द स्पीशीज। ओके, जो भी हमारे पास हैप्लॉइड स्पीशीज होती है उसकी क्रोमोसोम डबलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, डबल हैप्लॉइड का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो जो डबल हैप्लॉइड पॉपुलेशन आती है वो जेनेटिक मैपिंग के लिए क्या होती है, बहुत ही आइडेंटिकल होती है। ओके, क्योंकि उनके थ्रू हम क्रोमोसोम्स को अच्छी तरीके से हम उसकी मैपिंग कर सकते हैं। कैसे? विद इन 2 ईयर्स। ओके, जब हम किसी प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग करा रहे हैं
क्रॉसिंग कराने के विद इन 2 ईयर्स हम उनकी जेनेटिक मैपिंग कर सकते हैं। उनका मैप कंस्ट्रक्शन क्या होता है, रिलेटिवली इजी होता है डबल हैप्लॉइड पॉपुलेशन में, क्योंकि उनमें क्या होते हैं जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं होमोजाइगस होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ओके जैसे कि एग्जांपल है इसका डबल हैप्लॉइड पॉपुलेशन करके हम जेनेटिक मैप बना चुके हैं बार्ली का, रैपसीड का, राइस का, वीट का एंड पीपर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिनके जिनमें डबल हैप्लॉइड पॉपुलेशन को प्रोड्यूस करके हमने उसके जेनेटिक मैपिंग तैयार की है। ओके सो दिस इज द यूजेस ऑफ हैप्लॉइड्स, डबल हैप्लॉइड्स एंड डाई हैप्लॉइड्स। ओके अगर हम ओवरव्यू अगर हम समरी की बात करें तो अगर हम देखें डबल हैप्लॉइड और डाई हैप्लॉइड्स में क्या डिफरेंस है। ओके सो जो डबल हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द क्रोमोसोम डबलिंग इन ए हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम्स की डबलिंग के तो जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, क्रिएट होते हैं या प्रोडक्ट बनते हैं उसको डबल हैप्लॉइड्स कहते हैं। उसी भी तरह जो टेट्राप्लॉइड स्पीशीज के हैप्लॉइड सेल्स होती हैं उनको डाई हैप्लॉइड्स कहा जाता है। ओके जो डबल हैप्लॉइड सेल होती है वो होती है होमोजाइगस होती है फॉर द एवरी जीन्स। ओके हर एक जीन्स के लिए होमोजाइगस कंडीशन शो करती है जो कि रिजल्टेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं होमोजाइगस प्रोड्यूस करते हैं। ओके उसी तरीके से जो डाई हैप्लॉइड्स होते हैं वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हेट्रोजाइगस होते हैं, क्योंकि उसमें दो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट एलील्स होते हैं, राइट। हम कह सकते हैं कि डबल हैप्लॉइड इज स्ट्रिक्टली यूज फॉर डाई डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स व्हाइल डाई हैप्लॉइड कैन बी यूज फॉर टेट्राप्लॉइड। ओके जो डबल हैप्लॉइड जो है उनका यूज हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में कर सकते हैं, जबकि जो डाई हैप्लॉइड्स होते हैं उनका यूज हम करेंगे टेट्राप्लॉइड स्पीशीज में, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड और जो ऑक्टोप्लॉइड्स होंगे उनमें हम कर सकते हैं। ओके सो दिस इज द यूजेस, प्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ हैप्लॉइड, डाई हैप्लॉइड एंड डबल हैप्लॉइड।